तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो गैलरी ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस किए गए, क्या नया एड ऑन किया गया, इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पर माय अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सैमसंग गैलरी में एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में नया चेंजेस क्या किया गया है। जैसा कि वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ बग फिक्सेस किए गए हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रिलीज किया गया है, आज ही के दिन इस अपडेट को रिलीज किया गया है, जो कि 33 MB.82 MB का ये अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन नंबर है 14.1.06.0। तो दोस्तों पहले तो मैं कर लेता हूँ अपडेट। दोस्तों इस अपडेट में नया तो वैसे कुछ नहीं है, पर मैं हर बार बोलता हूँ कि हर ऐप को आपको अपडेट करके रखना चाहिए, क्योंकि जब भी नया अपडेट आता है उसमें सिक्योरिटी तो इम्प्रूव 100% की जाती है और कुछ एनहांस नए फीचर जोड़े जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है। ये सब चीज़ें तो 100% हुई जाती है। और आप देखेंगे सैमसंग गैलरी जो ऐप है आफ्टर वन यू आई 5.1, इसमें कुछ बहुत सारे नए नए फीचर्स एड ऑन किए गए और इस अपडेट के बाद हो सकता है उन जो फीचर्स हैं उनको और इम्प्रूव किया गया और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी की हो, ताकि आप अच्छे से यूज़ कर सकें। जैसे कि वहाँ पर अगर आप ओपन करके देखेंगे, यहाँ पर एल्बम्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप जो सर्च करते हैं वो एक्यूरेट हो और क्विकली हो, ये सब जो चीज़ें काम करती हैं, ये सब अपडेट के बाद उसको इन्हांस किया जाता है ताकि और अच्छे से वो काम कर सकें। आप देख रहे होंगे ये ऐसे इम्प्रूव होती है और ये सर्च कर सकता है कि आपको और अच्छे अच्छे आपके जो परफॉर्मेंसेस की इंक्रीज कर सके। तो सबसे पहले सर्च में इम्प्रूवमेंट मिलता है, उसके बाद अगर आप एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग में भी आपको इन्हांस करता है, फ़ोटो को एडिटिंग करने के लिए भी इसमें फ़ोटो एडिटर होता है, उसमें भी इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको पहले से ज़्यादा एड ऑन किए गए थे, उनकी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर ये इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल आपको हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए सारी ऐप्स को, ताकि वो रिमर्स कर सके और आपके जो देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे रिमांस किया गया है फ़ोटो को ऑटोमेटिक, कितना शानदार। आप देखेंगे पहले फ़ोटो कैसी थी और अब ये फ़ोटो कैसी दिख रही है। तो ये ऑटोमेटिक जो काम करते हैं AI के थ्रू, ये सब बैकग्राउंड में काम करता है और इसकी परफॉर्मेंस भी अपडेट पे डिपेंड रहती है। आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ें अपडेट पे डिपेंड रहती है। आप पहले फ़ोटो ऐसी थी, अगर वापस जाके आप इन्हांस करेंगे तो फ़ोटो की जो इन्हांसमेंट्स होती है ना, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में तय करी जाती हैं और इसी से अपडेट अच्छा होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एडिट में जाके, तो ये आपको कुछ नया नया सा NN करके भी यहाँ पर कुछ दिखा रहा है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ नया नया सा यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन सा उन्होंने यहाँ पर ये यूज़ किया है, कितने लाइट यूज़ किए, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिमूवर मिल जाएगा, फेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स मिल जाएगा और ये स्टाइलिश वाला जो पहले यूज़ किया गया था, और कलर मिक्स वाला फीचर भी आपको यहाँ पर एड ऑन मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें तो यहाँ पर इम्प्रूव होगी। उसके बाद यहाँ पर जब भी आप इसको GIF में क्लिक करते हैं, या फिर आप इसमें जब भी इसमें जब भी आप इसमें कोई क्रिएट करते हैं, लाइक क्रिएट करने जाएंगे तो आप मूवीज़, GIF, कलर्स, सेव एज़ PDF, सब चीज़ काम करते हैं, ये सब परफॉर्मेंस भी इंक्रीज किए जाते हैं, या बोल सकते हैं इम्प्रूव किए जाते हैं बाय, आपको दिख रहे होंगे इतने नए नए फीचर यहाँ पर एड ऑन कर दिए गए हैं, कैसे कैसे फ़ोटोज़ जाएँ, तो सब यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं कि कैसे फ़ोटोज़ मूव हो, कितने ड्यूरेशन पे मूव हो, कौन कौन सी हो, कैसे जाए और क्या क्या उसमें एड ऑन हो, सब यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं GIF में। और भी फ़ोटोज़ को और अच्छे से आप यहाँ एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पर सब एडिट कर सकते हैं। तो ये सब जो वर्किंग होती है, ये सब नए अपडेट्स के बाद इम्प्रूवमेंट की जाती है। तो ये चीज़ हो गई, साथ में ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी को भी अपडेट किया जाता है और सजेशन में जो आपको मिलते रहते हैं ना, ये सब यहाँ पर अपडेट्स किए जाते हैं। और अच्छे से अगर आपको जानना है कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना रख चुका हूँ और आप जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो वर्चुअल में दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू।